हेलो दोस्तों, एम ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की हिंदी पुस्तक का पाठ पुनर्मिलन पढ़ने जा रहे हैं, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है और यह कामायनी महाकाव्य के निर्वेद सर्ग से लिया गया है। और इस कविता में हम जो घटना पढ़ने जा रहे हैं, उसे समझने के लिए जरूरी है कि हम इससे पहले की बात को जान लें। इस घटना से पहले हुआ क्या था, तो इस अंश में हम जो पात्रों के नाम पढ़ने जा रहे हैं, उनमें मनु, उनकी पत्नी श्रद्धा और उनका बेटा मानव है, और इड़ा का नाम भी आता है, जो कि सारस्वत देश की रानी है। मनु और श्रद्धा के बीच किसी बात को लेकर के नाराजगी हो जाती है, तो मनु नाराज होकर के श्रद्धा और मानव को छोड़कर चले जाते हैं। तब श्रद्धा उन्हें ढूंढती हुई इड़ा राज्य पहुँच जाती है। तब क्या होता है, उसके बाद की ही यह घटना है जिसे हम आगे पढ़ेंगे। चौंक उठी अपने विचार से कुछ दूर आकर ध्वनि सुनती, इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है कहती। प्रसाद जी कहते हैं कि ईड़ा, जो कि सारस्वत नगर की रानी है, वह अपने विचारों में खोई हुई थी। तभी उन्हें दूर से आती हुई दूरागत माने दूर से आती हुई ध्वनि सुनाई पड़ती है, तो वह उस ध्वनि को सुनकर के चौंक जाती है। इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है कहती। इस निस्तब्ध निशा यानी कि निस्तब्ध माने होता है नीरव या सन्नाटे वाली रात, निशा माने रात। इस निस्तब्ध निशा में कोई यानी इस शांत रात में कोई स्त्री यह कहती हुई चली आ रही है। अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा। कोई मुझे यह बता दो, कोई मुझ पर दया करो और यह बता दो कि मेरा प्रवासी पति कहाँ पर है। उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। मैं उसी बावले प्रीतम को ढूंढने के लिए यहाँ से वहाँ भटक रही हूँ। फेरा माने यहाँ से वहाँ भटकना, भटक रही हूँ। अब हम इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। इसमें भाषा कौन सी यूज हुई है, यहाँ पर शुद्ध साहित्य खड़ी बोली भाषा का इस्तेमाल हुआ है। इस कविता में ही नहीं, इस पूरी कविता में ही प्रसाद जी ने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। गुड़ है यहाँ पर प्रसाद, रस है वियोग श्रृंगार, क्योंकि यहाँ पे बिछड़ने का वर्णन है, इसीलिए वियोग श्रृंगार है। अनुप्रास अलंकार की उपस्थिति है, निस्तब्ध निशा में न की पुनरावृत्ति हुई है, इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। रूठ गया था अपने पन से अपना सखी न उसको मैं, वह तो मेरा अपना ही था, भला मनाती किसको मैं। श्रद्धा कहती है कि मेरा प्रियतम मुझसे रूठ गया था, ऐसा लगता था कि वह अपने आप से ही रूठ गया है, मैं उसको अपना न सकी। मुझे तो ऐसा लगता था कि अपने आप को भी कोई मनाता है क्या, यही भूल अब शूल सदृश हो साल रही है और मैं मेरे। मेरी यही भूल अब कांटे की तरह, शूल सदृश माने कांटे की तरह मेरे हृदय में चुभ रही है, साल रही है और मैं मेरे यानी मेरे हृदय में चुभ रही है। कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे यह, मैं उसको अब कैसे ढूंढ पाऊंगी, कोई मुझे आकर के यह बता दे। आगे की पंक्तियों को हम अगले भाग में पढ़ेंगे।